रीना सेठी सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन चुनी गई है। गहमा गहमी के बीच हुए चुनाव में रीना सेठी ने भारतीय जनता पार्टी की सुमन बामनिया को 2 वोटों से हराया। रीना सेठी हरियाणा लोकहित पार्टी से पार्षद निर्वाचित हुई थी। वे सिरसा के वार्ड नंबर 17 से पार्षद हैं। पिछले लंबे समय से सिरसा नगर परिषद के चेयरपर्सन का पद खाली था। कई बार चुनाव को लेकर हुई कवायद सिरे नहीं चढ़ी। आज हुए हाई प्रोफाइल चुनाव में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी वोट डालने पहुंचे। इस दौरान नगर परिषद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसान विरोध के सिलसिले में नगर परिषद के बाहर पहुंच गए किसान गोपाल कांडा की गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। खैर, भारी पुलिस बल के बीच वोटिंग हुई और रीना सेठी 2 वोटों के अंतर से विजयी होकर चेयरपर्सन बनने में सफल रही। इसी साल सितंबर तक ही वर्तमान पार्षदों का कार्यकाल है। इससे पहले सितंबर 2016 में नगर परिषद के चुनाव हुए थे। सिरसा में 31 वार्ड हैं। चुनाव में भाजपा के 15 पार्षद चुनकर आए थे, कांग्रेस के 6, हलोपा के 5, इनेलो के 3 पार्षद चुने गए थे। कुछ समय बाद हुए नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव में शीला सहगल को जीत मिली थी। भाजपा की तरफ से शीला सहगल चेयरमैनी का चुनाव जीत गई, पर इसके कुछ समय बाद ही उनकी कुर्सी डोलने लगी। भाजपा के ही पार्षदों ने उनकी कुर्सी गिरा दी। अब पिछले काफी समय से चेयरपर्सन को लेकर चुनाव टलता रहा। अब बुधवार को हुए चुनाव में हलोपा की रीना सेठी चेयरपर्सन बनने में कामयाब रही हैं। वार्ड नंबर 22 की पार्षद बलजीत कौर ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। 30 पार्षदों के अलावा सुनीता दुग्गल और गोपाल कांडा सहित 32 जनों ने वोट डाला। रीना सेठी को 17 जबकि सुमन लता बामनिया को 15 वोट मिले। ऐसे में यह भी जाहिर है कि कांग्रेस और भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी हलोपा की सेठी के पक्ष में मतदान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।